बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना के अलावा श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 3-2 को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या है वो अपडेट, वो बताऊंगी मैं आपको आगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो एडा। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव स्टारर 3-2 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। जैसे जैसे रिलीज की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। और अब इस मूवी से एक और अपडेट सामने आई है कि CBFC ने अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म को US सर्टिफिकेट दे दिया है। इतना ही नहीं, इसके रन टाइम की भी जानकारी सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक CBFC ने 8 अगस्त 2024 को 3-2 को US सर्टिफिकेट दे दिया है। 15 अगस्त को ये फिल्म खेल खेल में से पर्दे पर टकराएगी, जिसमें अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान जैसे कलाकार नजर आएंगे। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार स्टारर इस फिल्म का ड्यूरेशन 149 मिनट और 29 सेकेंड का है, जो 2 घंटे 29 मिनट और 29 सेकेंड के बराबर है। यानी कहा जाए तो पिक्चर 2.5 घंटे की है। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था, जिसमें श्रद्धा कपूर की वापसी दिखाई गई है। गांव में अब सरकटा नाम का एक नया दुश्मन दिखाया गया है, जो गांव की महिलाओं को किडनैप करने की धमकी देता है। के बाद विक्की चंदेरी के राजकुमार बन जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ गांव की महिलाओं को बचाने का फैसला करते हैं। इस मूवी में तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग भी है, जो काफी पॉपुलर हो रहा है। इस फिल्म का एक गाना खुद भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने गाया है, आई नहीं, जो अभी सुपर हिट हो गया है। 15 अगस्त को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। और उसके पहले एक और गाना रिलीज हुआ है, जिसमें श्रद्धा कपूर के साथ वरुण धवन नजर आ रहे हैं। उनकी स्पेशल अपीयरेंस है, जिसको देखकर लोग भेड़िया से उसका कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो 3-2 में और भी हमें क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है, ये तो अब हमें 15 अगस्त को ही पता लगेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे और भी नए अपडेट्स देखने के लिए स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।